अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ हाइपर लेजर इवेंट एंड आज जिनको मैंने बेसिकली जिनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, ज़िया साहब, ज़ियाउल्ला बंगेश साहब, हु इज़ अ एडवाइजरी मैम जो हैं सीएम साहब के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवाइज़र हैं, आईटी मिनिस्टर हैं केपीके के, और टू बी ऑनेस्ट मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, और यानी जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिला था ना, तो मुझे जो कुछ सीखने को इनसे मिला था ना, मैंने यानी कि जिस भी बात पे हम लोग जिस टॉपिक पे बात करते थे ना, वो सर के जहन में ऑलरेडी पहले से होती थी और हम फिर वो माशाल्लाह जो है ना एक लंबी टॉक बन जाती थी। आज मैंने इनको स्पेशली आप सबके लिए बुलाया यहाँ पे कि हमें थोड़ा सा टाइम दें और कुछ अपने विजन के मुतल्लिक बताएं, कुछ गवर्नमेंट का जो विजन है पूरे का पूरा टेक्नोलॉजी को लेके, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू दिस हाइपर लेजर मीटअप। वालेकुम सलाम अहमद भाई और बाकी भी जितने दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन एक्चुअली जो ज़ेहन में आता है ना सर, वो ये आता है कि आपका अपना विजन, बिकॉज मैं जब आपको फर्स्ट टाइम मिला तो आपका विजन ही माशाल्लाह बहुत ऊपर है। ठीक है, तो वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को लेके क्या है, यानी आपका पर्सनल लेवल पे क्या विजन है बेसिकली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अगर मैं अहमद भाई बात करूं अपने विजन की, तो हमारा जो विजन है वो भी बेसिकली वो डायरेक्टली लिंक होता है प्राइम मिनिस्टर के विजन से और हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब के विजन से, और उसी को फिर आगे हम लेकर चलते हैं। और वो बेसिकली फिर पूरा वो पूरे सूबे के लिए भी हमारा विजन बन जाता है और पूरे फिर पाकिस्तान के लिए भी वो वही विजन होता है और उसको हम लेकर चल रहे होते हैं। और उसको बेसिकली चूंकि जो हमारे ऊपर जो हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने तो एक विजन दे देना होता है। अब उसको फिर प्रॉपर तरीके से उसको पूरे मुल्क में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है, तो ये फिर हमारा काम होता है। और चूंकि एक बैकग्राउंड था टेक्नोलॉजी से, तो मैं इससे पहले जब 2018 में हमारी हुकूमत आई, तो उसमें पहले मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया था, लेकिन फिर 16 महीने बाद फिर उसको रिक्वेस्ट करके मैंने साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट लिया, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर चूंकि बहुत ज़्यादा फोकस प्राइम मिनिस्टर का टेक्नोलॉजी पे है और डिजिटल पाकिस्तान का एक विजन दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, तो खैबर पख्तूनख्वा में फिर ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम प्राइम मिनिस्टर के उस विजन को आगे लेकर चलते और उसमें तमाम जितने भी हमारे वो लोग जो टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं उनके लिए वो राहें हम खोलते। तो इस पे लास्ट ईयर जब जनवरी 2020 को मुझे ये डिपार्टमेंट मिला, तो उसके बाद हमने 2020 को डिक्लेयर किया एज ईयर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और हमने 2020 इसलिए भी डिक्लेयर किया कि हम चाह रहे थे कि हमने इस 2020 को 2020 की तरह खेलना था, और माशाल्लाह उसमें फिर हमने लास्ट ईयर हमने बड़े इनिशिएटिव्स दिए और वो 2020 की तरह ही हमने खेला। तो ये बेसिकली हुकूमत के जो मामलात होते हैं वो बेसिकली लोगों के लिए होते हैं, और कोशिश हमारी है कि कितना हम अपने लोगों को बेनिफिट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से। जी अहमद भाई, जी जया भाई, इट्स एक्चुअली मुझे वही बात, मुझे जिस चीज़ ने इम्प्रेस किया था वो यही चीज़ थी कि माशाल्लाह आपने जिस तरीके से तमाम चीज़ों को लिया ना, अभी हम ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पे बात करते हैं जिसके ऊपर ऑब्वियसली लोग बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं कि केपी के उसमें क्या कर रही है, बट उससे पहले थोड़ा सा ना अगर आप बता दें कि जो केपी के में इस टाइम नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे आपने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, दुर्शुल लिया, आजकल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का जो एक बहुत बड़ा, वो सबसे पहले आपने लिया था इनिशिएटिव, फिर उसके बाद उसको मुल्क में फैलाया गया, तो उनके मुतल्लिक अगर आप थोड़ा सा बता सकें तो। देखिए मेरे बाकी दोस्त भी यहाँ पर हैं, वो भी देख रहे हैं इसको। अहमद भाई, पहले इस तरह था कि पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं टेक्नोलॉजी की बात होती थी, तो या फिर लाहौर की बात होती थी या फिर पिंडी इस्लामाबाद की या फिर कराची की, और मतलब ये चंद पेशावर की, तो चंद शहरों के नाम लिए जाते हैं। और अगर हम फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो वहाँ पे दो शहरों में ही टेक्नोलॉजी का एक सफर था, पेशावर और एबटाबाद में। तो जब 2020 में, जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैंने चार्ज संभाला, तो उसमें एक तो हमारे हमने दूरशल जो हमारे सेंटर्स थे वो तकरीबन 7 अजला में, और इसके साथ साथ एनआईसी एक पेशावर में हमारा था, और आईटी पार्क, दो हमारे आईटी पार्क थे, एक पेशावर में और एक एबटाबाद में। तो
हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे नौजवान हैं, वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से वो लिंक हैं। तो चित्राल से भी हमें रिक्वेस्ट आ रही होती थी, डी खान से भी हमें रिक्वेस्ट आ रही होती थी, इवन जो हमारे मर्ज जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से भी हमें रिक्वेस्ट आ रही होती थी। तो फिर हमने प्लान ये किया कि अब इस दो शहरों से निकल के हमने तमाम जितने भी हमारे शहर हैं उसमें टेक्नोलॉजी का जो सफर है वो हम तक हमने पहुंचाना है, और उसमें उसमें जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको हमने साथ लेकर चलना है। तो यही एक चीज थी, एक प्राइम मिनिस्टर का वो डिजिटल पाकिस्तान के भी जो विजन था उसी को हमने बेस बनाया। और 11 अब यह है कि दूरशल सेंटर्स के साथ साथ अब NIC पिशावर और अब एक दूसरा एक NIC कोहाट और एक स्वात में हम ओपन करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ मिलके हम तकरीबन 11 शहरों में ओपन कर रहे हैं, चलो बल्कि काफी हद तक उसमें काम मुकम्मल हो के अब उसकी ओपनिंग ओपनिंग हो रही है। मालब जब्बा को हम टेक्नोलॉजी हब बनाने जा रहे हैं, और कोशिश हमारी है कि जितने भी पाकिस्तान में जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो उसको वो मालम जब हो। एक तो वो एक इन्वायरमेंट ऐसी है कि वहाँ पे लोग आएंगे, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज भी अटेंड करेंगे और वहाँ के इन्वायरमेंट से भी लुत्फानंदोज होंगे, टूरिज्म भी पाकिस्तान पे प्रमोट होगा, और हम चाह रहे हैं कि IT टूरिज्म अब हम उसकी प्रमोशन की जानब हम बढ़ रहे हैं। काफी हद तक इस पे हम जा चुके हैं, और साथ साथ हमारे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उन तमाम फ्रीलांसर्स को भी हम उनको मजीद सपोर्ट उसको दे रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में हमने 5 यूनिवर्सिटीज के साथ अभी MOU साइन किया है, और उसमें हम इन यूनिवर्सिटीज में फ्रीलांसर्स के लिए भी हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी स्किल एनहेंसमेंट के लिए हमने अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। और फीमेल के हवाले से मैं बात करूंगा, एक सोच थी कि हमारी फीमेल टेक्नोलॉजी से बिल्कुल उनको पता नहीं या नाबल जो से कह सकते हैं, लेकिन वो तासुर भी खैबर पख्तूनख्वा में हमने बिल्कुल एक तरफ करके 3,000 हमारी फीमेल के लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, और उसको हमने नाम दिया वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू डिजिटल स्किल्स। और उसमें माशाल्लाह अब तक हम जो कोर्सेज हम करवा रहे हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, अब तक 3,000 में हम 1,000 फीमेल के जो कोर्सेज हैं वो कोर्स अपने मुकम्मल करके वो सर्टिफिकेशन उनकी हो चुकी है, और अब दोबारा हम एक ऐड हम दिए हुए हैं जिसमें मजीद हमने 1,000 फीमेल को ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि टारगेट हमारा 3,000 है, तो उन 3,000 में 1,000 कंप्लीट करके अब उसके पास हम जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें थी कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में उनको हमने बूस्ट देना था, और अब काफी हद तक उसको हम लेकर जा चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये एक सफर है जो खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, और प्राइम मिनिस्टर के उस विजन को अब लेकर हम जा रहे हैं कि इंशाल्लाह इस टेक्नोलॉजी बेस को बना के पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा टेक्नोलॉजी में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आपने ना तीन बड़े मज़े के जो इनिशिएटिव्स लिए हैं जो मेरे नज़दीक बड़े मज़े के हैं, जिनमें एक पहला इनिशिएटिव तो वो है जो पेपरलेस आपने कर दिया पूरे का पूरा, उसके मुतलक सर थोड़ा सा बताएं। अगले दो इनिशिएटिव्स में बाद में बात करता हूँ। इसमें यह है कि ज्यादातर हमारी पहले कोशिश लोगों की ये होती थी, या हमारे जो डिपार्टमेंट जो IT डिपार्टमेंट था उनकी, बस वो IT को ये समझ रहे होते थे कि ये बस सिर्फ सरकार के लिए ये IT पूरा सिस्टम है। तो जब मैंने चार्ज लिया तो मैंने अपने डिपार्टमेंट को बैठा के उन्हें कहा कि जी आप लोगों ने जितना सरकार के जो जो मामलात हैं उसको भी ठीक है देखना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट देना है, और काफी हद तक प्राइवेट सेक्टर को अभी हम उसको आगे लेकर आ रहे हैं। पब्लिक सेक्टर का ये था कि हमारे जितने डिपार्टमेंट्स थे उसमें एक तो हमने कोशिश की कि जितना भी हमारा लैंड रिकॉर्ड था उसको हम कंप्यूटराइजेशन उसकी हम कर रहे हैं, तकरीबन 25,000 को हम कवर कर चुके हैं, और इंशाल्लाह पूरा लैंड रिकॉर्ड उसका कंप्यूटराइज हो जाएगा। दूसरा ये था कि हमारा जो ओल्ड जो हमारा समरी जो सिस्टम था कि एक सेक्शन ऑफिसर से आपकी जब समरी मूव होती थी और वो चीफ मिनिस्टर से होती हुई वापस जब उसी सेक्शन ऑफिसर तक पहुंचती थी तो तकरीबन वो 110 दिन लेते थे, तो उस पे हमने चीफ मिनिस्टर साहब को एक प्रपोजल दी कि हम अगर इस सिस्टम को पेपरलेस और ई गवर्नेंस का करवा दें तो
तो इसमें एक तो हम बहुत ज्यादा टाइम बचत हमारी हो जाएगी, टाइम इसमें बचा लेंगे। और बहुत शुक्रिया सीएम साहब का कि उन्होंने हमें इजाजत दी और उस पर हमने कंसल्टेंट हायर किया, और उस प्रोसेस को अब इंशाल्लाह ये तकरीबन जून, उस 2 जून तक हम इसको लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। और वो प्रोसेस अब ये है कि हमारा तमाम जो हमारा सरकारी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सेक्रेटरीएट पे लेवल पे, वो सारे पेपरलेस और ई गवर्नेंस हमारा जो सिस्टम है उस पे हमने कन्वर्ट हम कर रहे हैं उसको, उनके तमाम स्टाफ की ट्रेनिंग्स हम करवा रहे हैं, और ईमेल का जो ऑप्शन था वो इसमें अब हमने डाल दिया है। तो जितनी भी समरियाँ अब वो बजाय कागजों के, वो पलंदे जितने बड़े बड़े पलंदे होते थे उनसे निकाल के अब उसको हम थ्रू एक सिस्टम के जरिए, एक ईमेल के जरिए वहां पे हम उसकी सारी समरी मूव होगी, और उसका टाइम जो लिमिट है वो 7 दिन, मतलब कम से कम उस तक उसको हम 7 दिन तक लेकर आ गए हैं। तो 110 दिन से हम अपना पूरा जो सिस्टम होगा इंशाल्लाह जब उसको लॉन्च किया जाएगा जून में, तो ये 7 दिन में पूरी समरी प्रोसेस जो है वो होगी। और एक तरफ दिनों की बचत हम दे रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को आसानी दे रहे हैं कि वो उनका काम जल्द से जल्द हो गया इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये एक प्रोसेस हमने शुरू किया हुआ है पेपरलेस गवर्नमेंट की, तो ये एक इनिशिएटिव है। जबरदस्त जबरदस्त ऑब्वियसली। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा दूसरी चीज, जो दूसरा इनिशिएटिव आपने लिया जिसमें केपी के फिर ऑब्वियसली सबसे ज्यादा नंबर ले गया कहना चाहिए, दैट इज ऑन अ गेमिंग, जो गेमर्स होंगे कि गेमर आप एक ऑनलाइन गेमिंग इवेंट करवा रहे हैं पूरे का पूरा माशाल्लाह, वो बेसिकली हाइब्रिड है, ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों है। सर उसके मतलब अगर आप थोड़ा सा बता सके ना, कि क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि जी वो सिर्फ केपीके के लोगों के लिए है या जी किस तरीके से, तो वो उस पर सर थोड़ा सा अगर आप बात कर सकें तो। नहीं, ये अहमद भाई इस तरह है कि ये आप उस मीटिंग में आप ही मौजूद है, शुक्र है। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज को हम बूस्ट दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। एक तो जितने भी हमारे, अगर इसमें खैबर पख्तूनख्वा से बाहर के हमारे दोस्त हैं तो उनको भी ये पता हो कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में आईटी इंडस्ट्री पे तकरीबन 15% से टैक्स कम करके हम 2% पे टैक्स हम लेकर आ गए हैं। वजह सिर्फ ये थी कि हमने अपनी आईटी इंडस्ट्री को बूस्ट देना था। और इसमें अब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारा बीपीओ इंडस्ट्री जो है, कॉल सेंटर्स, वो बहुत ज्यादा मतलब बूस्ट हो रहा है। पेशावर से अभी हम अपने जो बीपीओ सेंटर्स हैं वो एबटाबाद, बरदान और डी खान, उनसे हरिपुर, यहाँ पे ओपन करने जा रहे हैं। दूसरा जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी गेमिंग इंडस्ट्री, ई गेमिंग इंडस्ट्री की, तो उस पे हमने ये सोचा कि जब ऑलरेडी एक चीज हो रही है, दुनिया में हो रही है, और सबसे ज्यादा इसमें हमारे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और माशाल्लाह बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनकी इसमें है, तो हमने इस दफा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती सतह पर हम एक एक कंपटीशन करने जा रहे हैं, और वो भी इंशाल्लाह मार्च की डेट हम अनाउंस करेंगे कुछ दिनों में। और इसके लिए यह है कि हम पूरे पाकिस्तान से तमाम नौजवानों को इनवाइट कर रहे हैं, पूरे इंटरनेशनली भी हम इनवाइट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और इंशाल्लाह ये एक ऐसा इवेंट होगा कि इसमें ये पाकिस्तान का नाम भी है और खैबर पख्तूनख्वा का भी इससे एक 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 बहुत बड़ा नाम है इसमें। तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा इवेंट, और इसमें माशाल्लाह अब तक की जो अपडेट है उसमें बहुत सारे स्पॉन्सर, अहमद भाई यकीन करें कि मुझे तो यकीन ही नहीं था, मैंने तो एक बस एक अनाउंसमेंट की और इस अनाउंसमेंट पे माशाल्लाह तकरीबन अब तक कुछ 7 स्पॉन्सर इसके लिए आ चुके हैं, माशाल्लाह और वो स्पॉन्सर जो है तो वो अभी वो मुझे, मैं तो अब ये हैरान हूँ कि अब किसको अपने साथ लेकर करूँ, लेकिन ये चूंकि सबकी ख्वाहिश है तो इंशाल्लाह इस इवेंट को हम बहुत बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। तो ये भी एक इनिशिएटिव है खैबर पख्तूनख्वा में। इंशाल्लाह। ये जो है ना, ये एक्चुअली वो फवाद चौधरी साहब ने पहले बात की, फिर वो माशाल्लाह वो आपकी तरफ से एक आया, तो इट्स यानी कि इट्स अ ह्यूज सक्सेस इंशाल्लाह। यानी कि जितने लोगों को शौक है ना गेमिंग का और सारा, क्योंकि गवर्नमेंट की सतह पे ये फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ ये आज तक। यानी पहली जी हाँ दफा आज हो रहा तक, है, और जी हाँ इसमें अब आज तक नौजवानों की जानिब से ये बहुत ज्यादा इस पे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी चीजें हमारी होंगी वो तो सारी हमारी यंगस्टर्स के लिए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। अब आते हैं एक्चुअली वो ब्लॉकचेन वाली जो क्रिप्टो वाली चीज है ना, जिसके ऊपर बड़ा वो बना हुआ है कि जी क्रिप्टो का सारा सिलसिला चल रहा है, तो वो रिसर्च वर्क ऑब्वियसली एक रिसर्च की तरह एक फॉर्म वहां पे डेवलप किया गया है, एक कमेटी भी तैयार की गई है, मैं भी जिसका पार्ट हूँ माशाल्लाह। तो
तो उसके अंदर आपका क्या विजन है, लाइक माइनिंग में और अपना वो जो केपीके का टोकन बनाने में और इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में बेसिकली, तो उसमें मैं यानी कि देखिए आपका विजन एक्चुअली क्या है उसको लेके? देखिए अहमद भाई, इसमें इस तरह है कि जाहिर बात है कि क्रिप्टो करेंसी, अगर आप बैक 2009 में जाएं तो एक दुनिया में एक एक, एक इस तरह सूरत-ए-हाल पैदा हुई है कि बहुत ज्यादा बैंक थे हमारे, वो मतलब कह सकते हैं कि डूब गए, जैसे आप कह सकते हैं। तो एक वहां से एक सिलसिला चल निकला क्रिप्टो करेंसी का और कॉइन का। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नामों से कॉइन मौजूद हैं, बिटकॉइन है या बी फॉर यू है या बाकी जो भी है, जितने भी नाम है। तो एक सिलसिला चला आ रहा था। और अब दुनिया अगर हम देखें तो दुनिया एक तरफ बढ़ रही है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ, डिजिटल एसेट्स, और अगर हम जिस लेवल की भी बात करें, तो हमने ये प्लान किया कि हम पहले तो पाकिस्तान के उसको देखेंगे कि FATF में पाकिस्तान की इसके हवाले से अगर कोई इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो भी हम देखेंगे। दूसरा, स्टेट बैंक के साथ भी इस पे हमारी बातचीत चल रही है, वो भी हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक की जानिब से इस पे कोई अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो भी हम देख रहे हैं। तीसरा ये था कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे आज़ाद थे और उनको उनके पास ये इख्तियार था कि वो जो दुनिया में अगर कोई इस तरह की चीज हो रही है तो उस पे वो रिसर्च कर सकते हैं, उस पे एक मतलब अपना काम कर सकते हैं। तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, डिजिटल एसेट्स उनके हवाले से बहुत ज्यादा नो हाउ थी। तो उन्होंने सूबाई असेंबली में एक करारदाद पेश की और उसमें वो सूबाई असेंबली की ने एक सिफारिशात फेडरल गवर्नमेंट को दी कि फेडरल गवर्नमेंट इस पे काम करे, क्योंकि दुनिया में अगर क्रिप्टो करेंसी पे या क्रिप्टो माइनिंग पे या बाकी जो मामलात हैं उस पे काम हो रहा है, तो पाकिस्तान ने अब तक उस पे क्या काम किया है और पाकिस्तान इस पे कितना इस पे आगे जाएगा। तो इस पे फिर हमारी साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमने एक एडवाइजरी कमेटी अब इस पे बनाई हुई है जिसपे माशाल्लाह आप और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, पार्लियामेंटेरियन इसमें मौजूद हैं और डिपार्टमेंट्स भी जितने हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। और हम अब इस पे हम काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने एक रिसर्च करके हम माइनिंग के हवाले से भी, और अगर हम देख रहे हैं कि हम अपना केपी अपना कॉइन शायद हम लॉन्च कर दें, लेकिन अच्छा जितने पहले मामला हैं उसको हम पहले लीगली जो मामला हैं उसको देखें, उसके बाद ही हम इस साइड पर आएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि जब से हमने करारदाद पास किया है, हमने जब से एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है, तो पाकिस्तान में मुझे लग रहा है कि सारा पाकिस्तान ही क्रिप्टो करेंसी और जो बिटकॉइन और बाकी मामला हैं उसमें सारा पाकिस्तान जिस पे लगा हुआ है। तो फिर मैंने सारे अपने जो दोस्त हैं, हमने कहा कि जब एक चीज हो रही है पाकिस्तान में तो फिर इसके लिए एक लीगल वे बंदा देख ले कि जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान ना हो। बेसिक हमारा मकसद क्रिप्टो करेंसी के हवाले से ये था कि पाकिस्तान में पैसा पाकिस्तान आए। मतलब जैसे अगर खैबर पख्तूनख्वा में हम क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो मतलब जैसे क्या कहते हैं, माइनिंग माइनिंग की माइनिंग तरफ, फार्म्स। हाँ जी माइनिंग की तरफ अगर हम जाएंगे तो उसके लिए ये होगा कि अगर हम कॉइन अपना लॉन्च करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी इन्वेस्टर आए तो वो खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा के बैंकों में इन्वेस्ट करें, यहीं से वो माइनिंग की जो प्रोसेस है वो यहाँ से करें, ताकि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, खैबर पख्तूनख्वा की जो सिस्टम है वो बूस्ट होता रहे और यहाँ से ही पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती रहे है। तो माशाल्लाह अब तक बेतहाशा लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है और कोई माइनिंग के हवाले से अपनी रिक्वेस्ट जमा कर रहा है कि जी हम माइनिंग के लिए तैयार हैं, कोई मतलब जो एक्सेसरीज हैं माइनिंग के लिए उसमें, और मतलब बेतहाशा। लेकिन हम जब तक हम हमारी जो एडवाइजरी कमेटी है और उस पे नशिस्त करेगी, उसमें हर चीज को हम देखेंगे, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा हम वो करेंगे पहले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला। जी तो अच्छा अभी ना एक क्वेश्चन एक्चुअली आया है गालबन अली अकबर साहब की तरफ से। ही इज आस्किंग फॉर के डिजिटल टेक्नोलॉजी विजन फॉर केपी के और पाकिस्तान, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जिस पे बात की थी ना, तो वो विजन क्या है बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजीज का पाकिस्तान के अंदर और केपीके के हवाले से?
देखिए, अगर हम डिजिटल पाकिस्तान को जो प्राइम मिनिस्टर का उस विजन है, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने तो डिजिटल पाकिस्तान का दे दिया कि जी मुझे पाकिस्तान किस तरह चाहिए, मुझे एक डिजिटल पाकिस्तान चाहिए। तो अब उसके नीचे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि उसमें आपने वो तैयार करके उसके उसको आगे लेके तब जाके आपने वो जो फ्रेमवर्क ऊपर डिजाइन होने हैं। जी हाँ पाकिस्तान, तो उसको आपने करना है। तो उसमें जैसे आपके साथ मिलके आपको भी हमने कहा था कि आप हमारे जो ब्लॉकचेन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बाकी जिस तरह जो इंटरनेशनल लेवल के जो वो कोर्सेज हैं, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने नौजवानों को, अपने वो लोग जो टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म मुहैया करें कि यहाँ से अगर एक बच्चा वो टेक्नोलॉजी में अगर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वो कोर्सेज कर रहा है, तो वो पाकिस्तान में भी अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो पाकिस्तान में भी वो उसको ले। अगर वो किसी बाहर किसी मुल्क में जाए और वो वहाँ पे कंपीट करे, तो उसको ये प्रॉब्लम ना हो कि जी वहाँ की इंटरनेशनल नौजवान मार्केट में अगर नौजवान आए हुआ है, वो उन्होंने कुछ सीखा है और हमारे नौजवान यहाँ से कुछ वो भी यहाँ से सीख के जाए, तो वहाँ पे जब वो कंपटीशन करें तो उनको कम से कम ये मतलब बराबरी पे करें, बराबरी यानी कि बराबरी भी हो। पे। दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनली जो भी टेक्नोलॉजी में जो चीजें हो रही हैं, तो उनको भी हम ने मतलब उस पर भी हम हमारी नजर है, उसको भी हम पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। और साथ पाकिस्तान में हम अपना हमारे जितने भी हमारे इदारे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर मतलब जो टेक्नोलॉजी से वाबस्ता जितने लोग हैं, वो चाहे हार्डवेयर में चाहे सॉफ्टवेयर में जितने भी चीजें हैं, तो हम हमारी कोशिश ये है कि हम उसी के मुताबिक उसको लेकर चलें। और एक और चीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये फलानी चीज फलाने मुल्क की है, फलानी चीज फलाने मुल्क की है। अब हमारी कोशिश ये है कि हम अपना कोई प्रोडक्ट बना के वो सामने लेकर आए और इंशाल्लाह दुनिया उसको ले और उसे कहे कि ये पाकिस्तान की ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, और पाकिस्तान का प्रोडक्ट भी ऐसा हो कि माशाल्लाह उसको इस लेवल तक लिया जाए कि जिस तरीके से हम बाहर के किसी मुल्क की चीज ले लेते हैं, तो इस तरह पाकिस्तान भी इस तरह होनी चाहिए। तो इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अब एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी का क्याम अभी उसको हम उसका लेकर आ गए हैं। पाकिस्तान की पहली डिजिटल सिटी हम हरिपुर में बनाने जा रहे हैं, और उसमें जो जो भी हमारे जो सिटीज हैं जिनको स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का दर्जा दिया गया है, तो उसमें ऑलमोस्ट हमने काफी हद तक वो टैक्सेस वैक्सेस खत्म कर दिए हैं। बिल्कुल अच्छा एक जो बेनिफिट होंगे हमारे सॉफ्टवेयर हमारे जो कंपनीज को, तो इंशाल्लाह ये एक ऐसा चला इनिशिएटिव्स हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि हमारी कोशिश ये है कि टेक्नोलॉजी का जो सफर है वो पाकिस्तान में इतने हद तक हम उसको लेकर जाएं कि हर बच्चा हर बंदा टेक्नोलॉजी से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर बंदे के हाथ में टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो अब इसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम पॉजिटिव वे में लेकर जाते हैं या उसको नेगेटिव वे में लेकर जाते हैं, लेकिन कोशिश ये है कि हम लोगों को उसकी पॉजिटिविटी का बता रहे हैं कि जी आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें, इससे फायदा उठाएं। ये हमारा मतलब फ्यूचर कह सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी अब फ्यूचर है पाकिस्तान का। बेशक ऐसा ही है। अच्छा, ये एक्चुअली दो तीन क्वेश्चंस हैं। ये जो है ना, ये इनके आंसर तो मैं एक्चुअली नंबर वन के जी केपीआईटीबी बोर्ड का जो वेबसाइट है ना, उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है कि क्या स्ट्रेटेजी है। ठीक है, फिर आपने अभी सर ने थोड़ी देर पहले बताया पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप्स हैं अच्छा अच्छा वो। अच्छा जी अहमद भाई, एक तो दूसरी मैं भूल गया, हमारी खैबर पख्तूनख्वा की अपनी डिजिटल पॉलिसी है, और उस डिजिटल पॉलिसी में हमारे चार हमारे मेन पिलर्स हैं, और उन्हीं चार मेन पिलर्स को लेके हमने पूरा एक स्ट्रक्चर अपने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बनाया हुआ है, जिसमें हम तमाम सेक्टर्स को लेकर उसमें जा रहे हैं और उसमें बूस्ट दे रहे हैं। अब तमाम सेक्टर्स को जितनी साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हैं उनको भी ऊपर लेकर आ रहे हैं, नौजवानों को मतलब वो जो हमारे डिजिटल जॉब्स के हवाले से बात हो रही है, तो उसमें हम नौजवानों को जॉब्स फराहम कर रहे हैं। एक और हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है कि जितनी भी हमारे जो कंपनीज हैं जो काम कर रही है प्राइवेट कंपनीज, हमने आईटी बोर्ड को ये कहा है कि आप लोगों ने खुद से कुछ नहीं करना, मतलब जो चीज़ हुकूमत आपको कहे उसको आप आउटसोर्स करें और कंपनीज को आप बूस्ट करें, प्राइवेट सेक्टर को आप ऊपर लेकर आए। जी अहमद भाई,
अच्छा ये ना एक वही ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि वो जिस तरीके से आपने बताया कि जी आपने खुद कुछ नहीं, दैट इज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी आउटसोर्स्ड जो है ना प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलके, जो क्योंकि ताकि बेस्ट टीम उस पर काम कर रही है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐसा ही है सर? और पीपीपी की जो अभी हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो पॉलिसी अभी आई हुई है वो हमने बहुत ज्यादा उसमें और बहुत ज्यादा आसानियां पैदा कर दिए हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पर भी मौजूद हैं और स्पेशल हमारा जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है उसमें भी हमने ये दिए हुआ है। एक वन विंडो सिस्टम हमने अब दिया हुआ है जिसमें तमाम जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं हुकूमत के साथ मिलके, जहाँ भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ भी वो चल सकते हैं हुकूमत के साथ, तो एक बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। जी अच्छा सर एक चीज़ और कि इसी पूरी असना में अब जाहिर IoT और ये तमाम चीज़ें अब आगे आने वाली हैं जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपने एक साइबर सिक्योरिटी का विंग बनाया हुआ पूरे का पूरा, जी ठीक आईटी है, बोर्ड में बना हुआ है। ये IT बोर्ड में बना हुआ है, तो लोग थोड़ा उसके मुतल्लिक भी जानना चाहते हैं कि वो कैसे डिजिटल सिस्टम्स में काम कर रहा है वो, यानी कि साइबर सिक्योरिटी को कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हैं। जी इसमें हमारा एक तो हमारा रफी शान साहब थे, हमारे माशाल्लाह बड़े जबरदस्त एक्सपर्ट थे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। हमारा KP सर के नाम से आईटी बोर्ड में हमारा पूरा एक सेक्शन बने हुआ है और उसमें अब यह है कि हम तमाम खैबर पख्तूनख्वा के जितने सरकारी हमारे इदारों की वेबसाइट्स हैं उसको भी उस पर नजर है। जितना भी मतलब खैबर पख्तूनख्वा की जितना भी सिस्टम है उसमें हमारा KP सर जो है वो उसको फुली उसको मॉनिटर कर रहा होता है। हमारी हमने एक और काम किया था हमारे अपने इस डिपार्टमेंट के जरिए कि हमने खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके स्टाफ को इस पर हमने ट्रेन करवाया और उनको बिठा के कि ये चीज़ें हैं किस तरीके से आपने अपने डिपार्टमेंट्स के जो मामला हैं उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर कोई पाकिस्तान के इस वेबसाइट्स पे या और चीज़ों पे अगर हम लावर कोशिश करें तो आप लोग कैसे इसको पहले से इसको कर सकते हैं, हैंडल कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल सही। जी अच्छा सर अगर आप इजाजत दें तो हम 3-4 क्वेश्चंस लेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है, मुझे पता है आपने अब आगे जाना है, तो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पहले हैंड रेज करेंगे, देन उनका माइक म्यूट होगा, और देन दे आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली टू द सर, तो इफ समबडी यू कैन जस्ट रेज योर हैंड और फिर जो है ना मैं आपको अनम्यूट करता हूँ एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, इसका मतलब हमारी बातें बिल्कुल ठीक लोगों को समझ में आ गई सर। देयर इज वन, ओके, जी स्कंदर भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है जी। सर मेरा ताल्लुक बेसिकली सिंध हैदराबाद से है और मैं ऑलरेडी ब्लॉकचेन का स्टूडेंट भी हूँ सर का, PIIC का Q4 में। तो मैं ये जानना चाह रहा था जो ये KPKA के अंदर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आप लोग काम कर रहे हैं तो क्या उससे हम लोग भी फायदा उठा सकते हैं या सिर्फ वो उस सूबे तक ही रहेंगी ये चीजें बस? नहीं इंटरेस्टिंग नहीं क्वेश्चन। ये तो एक स्टेप जो भी सूबा इसको लेगा, मैंने पहले ही बात की थी कि 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा आजाद है कि वो एक स्टेप ले सकता है, इनिशिएटिव ले सकता है। तो चूंकि ये अपॉर्चुनिटी हमने उठाई, हमें मैंने हमने इस पे एक स्टेप लिया तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए, इसमें एक चीज हम आप लोगों के लिए जो हमारी एडवाइजरी कमेटी है, अब इस एडवाइजरी कमेटी में हमने सिंध से भी लोग लिए हुए हैं, इसमें पंजाब से भी लोग इसमें मौजूद हैं, इसमें KP से भी लोग मौजूद हैं, इवन इसमें GB से भी लोग मौजूद हैं। तो एडवाइजरी कमेटी जो फॉर्म की गई उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग हमने इसमें लिए हुए हैं जिसमें एक्सपर्ट शामिल हैं, जिसमें पार्लियामेंटेरियन शामिल हैं। तो एक एक चीज बना के इनशाला जब पूरा उसको पेपर वर्क मुकम्मल करके तो इसमें सबके लिए ये ऑफर होगी कि इसमें आप भी आ सकते हैं, इस पे आप माइनिंग कर सकते हैं, इसमें भी आप आके क्रिप्टो करेंसी में जो भी आपका रोल होगा आप उसमें कर सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच सर फॉर द आंसर। अच्छा और कोई क्वेश्चन तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।
आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सर आपने माशाल्लाह जिस तरीके से सारी चीजें कवर कर दी, तो मेरा ख्याल है कि लोगों के पास क्वेश्चंस रहे नहीं। मैं नॉर्मली ना एक बात करता हूँ कि इतने, जैसे मैं एंड पे बात करता हूँ, या तो किसी को कुछ समझ नहीं आया या किसी को इतना कुछ समझ में आ गया अपने लेक्चर के एंड पे कि जी बस किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया। सो अच्छा सर, ये ना मैम सदफ हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ कैन वी पार्टिसिपेट इन दिस इनिशिएटिव इन अ वुमेन एम्पावरमेंट, लाइक शी इज फ्रॉम कराची एज आई नो। तो क्या वो उनके लिए भी कोई ऐसा इनिशिएटिव है कि जो केपी के की, यानी कि वो कुछ कर सकती हैं वहां पे एज ए वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में? हाँ, इसमें ये देखें, प्रोग्राम जितने भी होते हैं वो बेसिकली बना कर उसको अनाउंस कर देते हैं, और उसमें फिर जो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू ऑनलाइन वो मतलब अप्लाई करते हैं, और उसमें सबको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जैसे हमारे दूरशल सेंटर्स हैं तो उसमें हमने स्टार्टअप्स अभी अनाउंस किए हुए हैं, तो उसमें कोई 14 स्टार्टअप्स हमने सिर्फ फीमेल के लिए वो रखे हुए हैं, और बाकी जितने भी दूरशल हैं उसमें हर बंदा उसके लिए अप्लाई कर सकता है एक ग्रुप के जरिए। जो हमारे ट्रेनिंग्स का सिलसिला जारी है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हो रही है, उसमें फिजिकल ट्रेनिंग भी हो रही है, तो अगर आप ऑनलाइन उन ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहती हैं तो आप हमारे जो वेबसाइट्स हैं हमारे KPIT बोर्ड के, उस पर आप जाएं, उस पर आप उनसे वहां से ऑनलाइन आप इस कोर्स में आप हिस्सा ले सकते हैं। सर शी इज फ्रॉम फैसलाबाद, उन्होंने शी जस्ट करेक्टेड मी, शी इज फ्रॉम फैसलाबाद, तो करीब है फिर तो आपको चले जाना चाहिए वहां पे। नहीं, वो मतलब मैं, अगर वो ऑनलाइन आप लोग करना चाहते हैं तो ये हमने कोई 70% हमने ऑनलाइन किए हुए, 30% हमने फिजिकल किए हुए है, तो आप मतलब ऑनलाइन भी इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। सही जी। अहमद भाई प्लीज, आप अनम्यूट हुए हैं, एक सेकंड। अहमद भाई प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अहमद जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन मेनली वही जो आपने क्रिप्टो करेंसी और उससे एक मैं क्लैरिटी थोड़ी सी ये चाह रहा था कि आपने ये तो बता दिया कि हम एक क्रिप्टो करेंसी केपी के शायद वो उसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देखेगा और उसके बाद पाकिस्तान बाकी भी उसको देख सकता है कि उसके आउटकम क्या है और आगे पूरे पाकिस्तान में किया जा सकता है, लेकिन क्या सिर्फ फोकस अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाने पे है? क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया है वो ये है कि स्टेट बैंक की तरफ से शायद थोड़ा सा इस वक्त पाकिस्तान में जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी ट्रेडिंग और उस पर बैन है या वो उसे डिस्करेज करते हैं, तो क्या इवेंचुअली उस तरफ भी जाना है या आपके ख्याल में वो उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है और हम अपने खुद ही एक क्रिप्टो करेंसी को बना के आगे लेके चलते हैं? देखिए, इसमें ये है कि स्टेट बैंक के साथ हमारी अभी बातचीत इस पे हमारी चल रही है, क्योंकि जाहिर बात है कि जो कुछ भी करना है तो हमने जाहिर बात है पाकिस्तान ने अपना करना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि चीज़ें बाहर की होती हैं तो जो भी चीज़ चल रही होती है वो फ़ायदा बाहर ही जा रहा होता है। हमारी कोशिश ये है कि हम फ़ायदा अपने मुल्क को किस तरीके से पहुँचाएं। अगर हम अपनी कॉइन लॉन्च करेंगे, पाकिस्तान का अपना कॉइन होगा, तो उस पर अगर मतलब उस पर लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान में ही उसकी इन्वेस्टमेंट यही आएगी। तो अब उस पर स्टेट बैंक के साथ हमारी बातचीत चल रही है, तो जो भी मतलब एक चीज़ फाइनल होती है तो उसके बाद, और बाकी देखें एक स्टेप अभी केपी ने उठाया हुआ है तो ये स्टेप पूरे पाकिस्तान के लिए होगा, दूसरे सूबे फिर इसको बुनियाद बना के वो अपने सूबों में भी इसकी इनिशिएटिव वो फिर ले सकते हैं, और मतलब एक चीज़ हम उनके लिए आसान करके उनके लिए देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये ना एक सर उसामा ने क्वेश्चन किया है, बेसिकली वो जो मैं नॉर्मली यूज केसेस पढ़ा रहा होता हूँ ना ब्लॉकचेन में, तो वो हम अभी क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, माइनिंग की बात, तो कह रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ होगा, तो अभी वो रिसेंट मीटिंग में जो डिस्कशन हुई ना लैंड रिकॉर्ड के ऊपर, तो अभी तो सर ने बताया उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको इंशाल्लाह ब्लॉकचेन पे भी लेके जाएंगे, तो इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होना, सारी दुनिया उसके ऊपर यूज केस बनेगी इंशाल्लाह, बता रहा ठीक है ना, बहुत सारे यूज केस आगे हम बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह इसकी तरफ लेकर आ रहे हैं ब्लॉकचेन की तरफ। जी हां। तो उस्मान भाई, लास्ट टू क्वेश्चन उस्मान भाई और वकास भाई। उस्मान भाई प्लीज आप पहले कर लीजिए, देन वकास भाई। जी शुक्रिया सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है ICO के बारे में। हमने देखा कि सिंगापुर वगैरह या इस तरह कंट्री में छोटे बिजनेसेस ने ICO से काफ़ी अच्छा ग्रो किया है फंड रेजिंग करके, तो ठीक है क्रिप्टो माइनिंग वगैरह पे तो काम हो रहा है, इस चीज़ पे अभी कोई काम हुआ है या नहीं KPK में? अच्छा, इसका आंसर मैं दे देता हूँ सर, इसका आंसर मैं दे देता हूँ अगर आप इजाजत दें तो।
सर आईसीओ का यही बात जो अभी हम टोकन की बात कर रहे हैं ना, अपना क्वाइन जनरेट करने की, ठीक है, तो उसके बैकएंड पे हम पहले उससे आईसीओ ही जनरेट करेंगे, देन उसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो इस पे और डिटेल इंशाल्लाह आती जाएंगी साथ साथ, तो मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहूंगा साथ साथ, ठीक है। तो वकास भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी नाइस सेशन। मेरा ये क्वेश्चन था कि हम क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन केपी गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट लेवल पे ब्लॉकचेन क्या काम करेगी? क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग पे तो हमने काफी बात कर दी, लेकिन ब्लॉकचेन पे कौन से प्रोजेक्ट होंगे मेनली जो फोकस होंगे, जो गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होगी? एक तो अहमद भाई ने आपको बता दिया है कि तो वो पूरा जो हमारा लैंड रिकॉर्ड है और उसको हम उस पे लेकर जा रहे हैं। दूसरा अहमद भाई एक और भी हमने किया था जो हमारा हेल्थ डिजिटल आइडेंटिटीज का, जो ई वैक्सीन वाला हेल्थ वाला, तो ये भी हम लेकर जा रहे हैं। एक और प्रोग्राम भी वो हम शुरू कर रहे हैं, वो भी बेसिकली ब्लॉकचेन पर ही होगा, लेकिन अब इसको फिलहाल हम अनाउंस नहीं कर रहे क्योंकि उस पर अभी काम हो रहा है और जैसे ही वो हम कंप्लीट करके तब उसको अनाउंस किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें उसमें हैं और अहमद भाई हुए और बाकी इस तरह हमारे जो टेक्नोलॉजी से जो वाबस्ता हैं और एक्सपर्ट हैं वो इसमें हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली बहुत सारा कुछ होने वाला है। एक्चुअली सर को बुलाने का मकसद और वो सारी चीज ये थी कि जी केपी के इज बेसिकली टेकिंग अ लीड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, माशाल्लाह। तो इसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं चाहता था कि सब सर से मिलें और सर को सुने डायरेक्ट एक्चुअली। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और इंशाल्लाह आगे भी आपको किसी और उसमें भी इंशाल्लाह मुलाकात आपसे रहेगी। तो बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइन करने के लिए एंड थैंक यू वेरी मच सर अगेन टू गिव योर थॉट्स टू ऑल ऑफ अस और हम सबको ये बताने के लिए कि केपीके और पाकिस्तान गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर सर, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।